प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की परिभाषा पढ़ी। आज हम इसको दोबारा से रिपीट करके ओवरऑल एक प्लेन वॉल के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू का सूत्र एवं एक प्लेन वॉल से कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर कैसे होता है और उसमें क्यू का मान क्या होता है उसका सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जब कभी हीट ट्रांसफर किसी एक मोड के द्वारा न होकर तीन मोडों के द्वारा हो तो एक विशेष प्रकार का कोएफिशिएंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे हम यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बॉयलर में पानी की नलियों को जलते हुए कोयले के द्वारा हीट का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, वह एक मोड के द्वारा न होकर तीन मोड जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा होता है। अतः इस स्थिति में इन तीनों कोएफिशिएंट का एक कंबाइंड कोएफिशिएंट हमें प्राप्त होता है, हम उसको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहते हैं और इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। एक प्लेन वॉल जिसमें हीट का ट्रांसफर एक सिरे से दूसरे सिरे पर होता है, हम उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ए प्लेन वॉल, एक प्लेन वॉल के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिए आप। हमारे को एक एल मोटाई की एक प्लेन एक थिकनेस की एक वॉल नज़र आ रही है, जिसके एक तरफ तो टी ए तापमान का फ्लूड है और दूसरी तरफ टी बी तापमान का फ्लूड है। तो ये उच्च तापमान वाला फ्लूड से हीट ट्रांसफर होकर टी बी तक कैसे आएगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और ये कितने माध्यमों से होकर कितने मोड के द्वारा ये हीट ट्रांसफर होगा। तो उन तीनों मोड के जितने भी मोड हमें प्राप्त होंगे उन मोड्स का एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें हमने एक रेजिस्टेंस सर्किट टाइप का बना रखा है जिसमें टी ए से लेकर तापमान टी वन तक और टी वन से लेकर टी टू तक और टी टू से लेकर टी बी तक। हम जैसे इसमें देखते हैं कि माना कि कोई एक दीवार है प्लेन जिसके एक तरफ कोई हॉट फ्लूड ए जो दीवार के एक तरफ भरा हुआ है, दीवार को एक तरफ से गर्म करता है, एवं दूसरी ओर कोल्ड फ्लूड बी है जो दीवार को दूसरी तरफ ठंडा करता है। तो इस स्थिति में जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वह क्यू बराबर एच वन ए टी ए माइनस टी वन बराबर के ए अपॉन एल टी वन माइनस टी टू बराबर एच टू ए टी टू माइनस टी बी। अर्थात हम देख सकते हैं इसमें जैसे ये टी ए फ्लूड का जो है कोई फ्लूड उसका तापमान टी ए है, यहाँ से ऊष्मा का ट्रांसफर दीवार के इस सिरे तक टी वन तक आएगा। तो इसमें तो ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वह फ्लूड में हो रहा है, तो इसमें से कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच का उपयोग करेंगे। फिर यहाँ से हीट ट्रांसफर जो टी वन तापमान से दीवार सॉलिड है तो इसमें हीट ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा होगा, तो यहाँ टी वन से लेकर टी टू जो हीट ट्रांसफर होगा वो इस प्रकार से होगा। फिर इस सिरे का तापमान टी टू है तो टी टू से लेकर इस फ्लूड तक टी बी तक का ट्रांसफर कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच टू के द्वारा होगा। तो हमने देखा कि क्यू बराबर एच वन ए टी ए माइनस टी वन जो न्यूटन्स का कूलिंग लॉ था उसके अनुसार वाई ट्रांसफर कोएफिशिएंट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हुआ, ये आपका कंडक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ट्रांसफर हुआ और फिर ये वापस आपका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हुआ के द्वारा हुआ। यहाँ से हम टी ए माइनस टी वन की वैल्यू निकालते हैं क्यू अपॉन एच वन ए, फिर हम यहाँ से टी वन माइनस टी टू की वैल्यू निकालते हैं क्यू अपॉन ये देखिए आप के ए अपॉन एल। दूसरे केस में टी टू माइनस टी बी की वैल्यू हम निकालते हैं क्यू अपॉन एच टू ए। इस प्रकार से हमें तीन समीकरण प्राप्त होती है। अब उपरोक्त
लिखित तीनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारे को टी ए माइनस टी बी की वैल्यू जो प्राप्त होगी, आर एच एस को भी हम जोड़ेंगे तो क्यू कॉमन आ जाएगा बाहर, वन अपॉन एच वन ए प्लस एल अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच टू ए। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो टी ए माइनस टी बी अपॉन वन अपॉन एच वन ए प्लस वन एल अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच टू ए। इसमें हम ए को कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ पे हमने ए को बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास टी ए माइनस टी बी वन अपॉन ए वन इंटू वन अपॉन एच वन प्लस एल अपॉन के प्लस वन अपॉन एच टू प्राप्त हो गया। ये ए ऊपर चला जाएगा, टी ए माइनस टी बी नीचे आपका ये बच गया। तो ये जो ए है, अब ये देखिए आप ए और यू की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे वन अपॉन एच वन प्लस एल अपॉन के और एल अपॉन के प्लस वन अपॉन एच टू। तो हमारे पास जो यू निकल के आया, ये यू की वैल्यू जो तुम्हारे पास आई यू बराबर ये ओवरऑल ई ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहलाएगा। और ये तीनों हमारे पास यहाँ, जैसे हमने एच वन कन्वेक्टिंग ही ट्रांसफर कोएफिशिएंट था, के कंडक्टिव चालकता वाला था, दूसरा आपका वापस कन्वेक्टिंग ट्रांसफर था, इन तीनों का मिश्रित रूप में हमारे को एक नया ओवरऑल ही ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमें प्राप्त हुआ। ये देखिए आप यहाँ पे वन अपॉन एच ए कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कहलाएगा, एल अपॉन के है कंडक्शन रेजिस्टेंस कहलाएगा और ई यू को हम ओवरऑल ही ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहेंगे। ओवरऑल ही ट्रांसफर कोएफिशिएंट दो द्रव्यों को अलग कर रही दीवार की ज्योमेट्री, इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, दीवार के दोनों ओर कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पर निर्भर करती है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मुख्यतः उपयोग कंपोजिट वॉल के डिज़ाइन में, जैसे किसी भी बॉयलर की डिज़ाइन करने हो हमारे को तो उसमें उपयोग में लेते हैं। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की बिल्डिंग में काम में लिया जाता है, इसका उपयोग हीट एक्सचेंज के डिज़ाइन में होता है। तो विभिन्न प्रकार के कोएफिशिएंटों का सम्मिलित रूप को हम ओवरऑल ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये हमने क्या है कि एक प्लेन दीवार के लिए हमने इसका डेरिवेशन पढ़ा, इसमें हम किस प्रकार से ओवरऑल ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हमने आज पढ़ा कि ओवरऑल ट्रांसफर कौन किसी प्लेन वाल्व के लिए। अब हम एक प्लेन वाल्व से अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वाल्व, किसी भी एक प्लेन वाल्व से हीट का कंडक्शन कैसे हो सकता है। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वाल्व। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें ये कोई प्लेन वाल्व है जिसकी मोटाई एल है, जिसकी कंडक्टिविटी के है, इसका एक सिरे से टी वन तापमान का जो है इधर एक फ्लूड, उससे टी टू तक दूसरे सिरे पे हीट का ट्रांसफर क्यू कैसे होगा, इसको हम सर्किट के माध्यम से इस तरह से दिखा सकते हैं। टी वन तापमान टी टू तापमान के मध्य ही ट्रांसफर हो रही, इसका रजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। माना कि एक प्लेन वाल्व समान ताप चालकता के की है, जिसको वाई एम जेड दिशा में अनंत विस्तार का माना जाता है, तापमान केवल एक्स का फलन है, दीवार किसी भी रूम की हो सकती है जिसके सिरों से एनर्जी का लॉस नगण्य है। हम चालकता का समीकरण जानते हैं, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू बाई के इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टी स्मॉल टी टाइम। इस प्रॉब्लम के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन मानी जाती है, इस डेल टी अपॉन टी का मान जीरो हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर फोर वन डायमेंशन के लिए, क्यू बाई के बराबर जीरो, नो हीट जनरेशन माना जाता है। अब समीकरण हमारी हो जाती है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। उपरोक्त समीकरण का अवकलन द्वितीय ऑर्डर की अवकलन समीकरण है, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमें दो बाउंड्री कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम टी बराबर टी वन, जैसा हमारा दिखा गया टी बराबर यहाँ टी वन लेंगे जब एक्स दूरी क्या हो जाएगी आपकी जीरो, और टी बराबर टी टू लेंगे जब एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो टी बराबर टी टू लेंगे एट एक्स बराबर एल। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर हमारे को टी बराबर सी वन एक्स प्लस सी टू प्राप्त होता है, अर्थात हमें दो कोएफिशिएंट प्राप्त होते हैं, जिसमें सी वन सी टू को बाउंड्री कंडीशन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं इनकी वैल्यू को। जैसे एट एक्स बराबर जीरो है
टी बराबर टी वन है तो हम एक्स बराबर यहाँ क्या रखा हमने जीरो, और टी बराबर क्या रखा हमने टी वन, तो सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टी वन, सी टू बराबर टी वन आ जाएगा। इसी प्रकार से एक्स बराबर एल और टी बराबर टी टू, सो देट टी टू इक्वल टू सी वन एल प्लस टी टू हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम सी वन की वैल्यू निकाली तो टी टू माइनस टी वन अपॉन क्या हो गया एल। सी वन और सी टू की जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे, तो हम टी बराबर देखिए आप सी वन की वैल्यू टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इन टू एक्स और प्लस सी टू बराबर अपन ने टी वन लिख दिया। अब जो समीकरण प्राप्त हुआ हमारे को इसका हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर टी टू माइनस टी वन अपॉन क्या प्राप्त हो गया हमें एल प्राप्त हो गया। ये डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास कंडक्शन का समीकरण है क्यू बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे इस वैल्यू को हम रख देंगे, ये हमने यहाँ रख दिया माइनस के टी टू माइनस टी वन अपॉन एल, इसको आगे ले गया माइनस को तो के टी वन माइनस टी टू अपॉन क्या हो गया हमारे पास एल हो गया, और इसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया एल अपॉन, जैसा कि हमें याद है एल अपॉन के हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर के ए अपॉन एल, टी वन माइनस टी टू जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो किसी दीवार के लिए जिसके बाईं तरफ का तापांतर, दाईं और दाईं तरफ का तापांतर का मान क्या है टी वन बराबर टी टू है, तो एक सिरे पर ताप टी वन है दूसरे सिरे पर ताप टी टू है, तो उस कंडीशन में ऐसी दीवार जिसके चालकता के चालकता का मान के है उसकी मोटाई आपके एल है, तो उसी केस में आपका हीट का ट्रांसफर क्या होगा क्यू बराबर के अपन एल टी वन माइनस टी टू। तो साथियों हमने ये हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वाल पड़ा उसके सूत्र का हमने डेरिवेशन किया और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ। धन्यवाद।